अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नहतिशा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ जूसी फ्रूट सैलेड, जो कि बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। ये मैं फ्रेश फ्रूट के साथ आज आपके सामने बनाऊंगी। और यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, जो कि आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पर मेथड दिया गया है जिससे रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। फिर मैंने एक बोल लिया, उसमें केले डाले, ये दो छोटे केले या एक बड़ा केला आप ले लें। इसको मैंने गोल गोल स्लाइस में काटा है, बहुत छोटा नहीं किया है, ये तो भी केले मैश हो जाते हैं। फिर अंगूर डाले 1 कप, इनको भी कट कर लिया था। सेब 1 कप छोटा काट कर। फिर ये कीवी है 1, इसको भी छोटे छोटे काट लिया था। फिर ये अनार है, ये आधा अनार मैंने डाला है। और 2 टेबल स्पून ये नींबू का रस है, लेमन जूस। फिर ये ऑरेंज जूस है 1/2 कप, इसको आप निकाल लें। और शक्कर मैंने डाली है 1/2 कप, आपको कम शक्कर चाहिए तो आप कम भी डाल सकती हैं। फिर इन सबको आपस में मिक्स कर लेंगे, ताकि जिससे इनकी शक्कर और जूस सब इनका मिल जाए आपस में। फिर ये ऑरेंज कट करके मैंने रखा है, वो भी मैंने इसको आप मिला दिया। और ये मैंने बहुत ही आम फ्रूट्स के साथ ये बनाई है, जो सब आसानी के साथ मिल जाते हैं, वरना आप चाहें तो जिस भी फ्रूट से आप ये फ्रूट चाट बना सकते हैं, जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हो। हाँ, फिर इसके ऊपर हमने चाट मसाला 2 पिंच स्प्रिंकल कर दिया, ये भी ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे डालिए और दिल चाहे नहीं डालिए। अब ये रेसिपी रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी हमारी अच्छी लगे, और ये देखने में भी कितनी कलरफुल और कितनी अच्छी लग रही है, आप इफ्तार में भी इसको खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी हमारी अच्छी लगती है, आप इसको जरूर जरूर ट्राई करें, और लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।